वेलकम बैक टू माय चैनल आधार ब्रेन क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट सेंटर। मैं कविता सिंह, स्पेशल एजुकेटर। आज का फिर मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। बच्चे को मैंने नाउन बुक के जरिए हमें बच्चे को स्पीच सिखाना है। बच्चे को स्पीच ले है तो उसको हमें कैसे सिखाना है वो आज मैं बताऊँगी। मैंने इस तरीके की नाउन बुक रेडी करवाई है। मैंने भी पहले भी बता चुकी, मैंने कई नाउन बुक तैयार करवाई हैं। मैंने अवर हेल्पर्स की नाउन बुक तैयार करवाई थी तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था। सेकंड, मैंने बच्चे को बताया था कौन से फेस्टिवल कौन से मंथ में आता है, उसकी भी नाउन बुक रेडी कराई। इससे पहले वाला वीडियो मेरा उसका था। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आपको बच्चे की फैमिली पिक्चर्स वाली नाउन बुक रेडी करवाई, जिससे बच्चों को पहचान कैसे हो कि मम्मी कौन सी है, हमारी पापा कौन से हैं, दादी भाई जो भी है फैमिली में वो कैसे पहचान करा रहे हैं। तो बच्चे को हमें टच से सिखाना होता है। जब बच्चा बोल नहीं पाता उसको हमें साइन लैंग्वेज में पहले सिखाना है तो टच करके सिखाना होता है। जैसे कि सबसे पहले हमने बच्चे की पिक्चर लगवाई है, तो पहले बच्चे की पिक्चर से अर्नब कहाँ है, चलो करके बताते हैं अभी हम। अर्नब, ये अर्नब है, कौन है अर्नब, इस तरीके से हमें बच्चे को सिखाना है। अर्नब, अर्नब, ये सेकंड नंबर पर हमें लगानी है उसके फादर की। यहाँ पर मैंने दादी बाबा की लगवाई हुई है। ये बाबा कौन है, ये अर्नब के बाबा। बाबा कहाँ अर्नब, इधर देखो बाबा, ये अर्नब के बाबा। दादी, अम्मा, जो भी बच्चा बोलता हो, अम्मा दादी जो भी घर में बोलते हो उस हिसाब से, जैसे अम्मा टच करवा करवा के। नेक्स्ट, ये कौन है ना, पापा, पापा अर्नब, ये कौन है, फिंगर ऐसे बच्चे की रखवा के, पापा। मम्मा, मम्मा, माँ, माँ, किसकी माँ, अर्नब की माँ, अर्नब की माँ, माँ किसकी, अर्नब की माँ, इस तरीके से। दीदी, 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 अर्नब की दीदी। भाई, मांशु भैया, कौन है ये, भाई, टच करवा के, ये भैया। इस तरीके से पूरी फैमिली पिक्चर्स मैंने लगवाई हैं बच्चे को इस तरीके से। इसमें माँ बेटा दोनों की पिक्चर है, इसमें मम्मी और बच्चा। उसे पूछो कि कौन है, मम्मी और बच्चा, टच करवाना हमें। फर्स्ट स्टेप बच्चे का हमारे ये स्पीच के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो टच करवाना होता है, ऐसे फिंगर टच। इस तरीके की नाउन बुक तैयार करवाइए तो बच्चे को समझ में आए कि पापा कौन सा है, मम्मी कौन सी है, वो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। इस तरीके से हमें बच्चे को करवाना, ये हमारा टारगेट लॉन्ग टाइम का होता है, ये नहीं कि कुछ दिन होके उससे छोड़ दिया जाए। ये टारगेट हमें लंबे समय तक करवाते रहना है, रेगुलर हमें दो बार करवाना है दिन में। इस तरीके से बच्चे को समझ में आएगा, बच्चा समझने लगेगा कि मम्मी कौन सा है, पापा कौन है, दादी बाबा भाई जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सबके बारे में बच्चे को धीरे धीरे वो बच्चा साइंस से पता चलेगा। तो बच्चा फिंगर से बताएगा, पिक्चर से बताओगे फिर उनको सामने, जैसे कि मम्मा खड़ी हैं तो मम्मा को सामने मम्मा फिंगर रख के हमें सिखाना है। घर पर भी करा सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।